नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। सबसे पहले माता रानी की जय। माता रानी की जय इसलिए क्योंकि माता रानी के भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, और बड़ी खुशखबरी ये है कि इस बार दुर्गा पूजा में पंडालों में माता रानी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, और इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। और इसी सिलसिले में जो पूजा समितियां हैं उसने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। आपको बताते हैं पूरी खबर क्या है। कोरोना महामारी की वजह से पिछले साल दुर्गा पूजा के समय पंडालों में माता रानी की प्रतिमा स्थापित नहीं की गई थी, लेकिन इस बार दुर्गा पूजा पंडाल में ही होगी। पूजा समितियां भव्य पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर सकती हैं। हालांकि इसके लिए पूजा समितियों को हर साल की तरह इस बार भी जिला प्रशासन से लाइसेंस लेना होगा। बता दें कि कोरोना की वजह से पिछले साल पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना पर रोक लगाई गई थी, उस जगह पर कलश पूजा की गई थी। इस बार जिला प्रशासन की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद पूजा समितियों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। पूजा आयोजन को लेकर सभी समितियां अपने सदस्यों को सूचना दे चुकी हैं। कई पूजा समितियों ने मूर्ति और पंडाल निर्माण के लिए कारीगरों से बात भी कर ली है। कारीगरों को एक सप्ताह तक का समय दिया जा चुका है। नवयुवक संघ श्री दुर्गा पूजा समिति डाक बंगला के ट्रस्टी और कोषाध्यक्ष अमित कुमार बरुआ ने कहा कि पंडाल निर्माण और भव्य मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करने के लिए सितंबर महीने के पहले सप्ताह में निर्णय लेंगे, इसको लेकर बातचीत हो रही है। पिछले साल कलश और मां दुर्गा का फोटो रखकर पूजा अर्चना की गई थी, इस बार मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो आपको बता दें कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली बार कोरोना की वजह से मां दुर्गा की जो मूर्ति है वो पंडाल में स्थापित नहीं की गई थी, लेकिन इस बार जिला प्रशासन की तरफ से हरी झंडे मिलने के बाद तैयारियां जोरों पर है। कारीगरों को भी काम पे लगा दिया गया है, और लगातार जो पूजा समितियां है इस सिलसिले में काम कर रही है। फिलहाल इस